इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशह महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। इनका प्रवचन समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्रीमुख से कुछ सुनें। कैरवचंद्रिकावितरण विद्यावधूजीवनम् धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नंदनंदन पदारविंदयो स्यंदमान मकरंद बिंदवः सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं मम निशं। नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंदकंद सच्चिदानंद नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव
आस्तिक है, भगवान का भक्त है। प्रत्येक जीव, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, संपूर्ण चराचर विश्व आस्तिक है, भगवान का भक्त है और निरंतर भक्त है। जो महापुरुषों का लक्षण लिखा है शास्त्रों में, न चलति भगवत पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यस्त वैष्णवाग्रह, जिसके मन का अटैचमेंट भगवान के प्रति नित्य हो, 1/100 सेकंड को भी भगवान से पृथक ना हो, वो भक्त कहलाता है। तो इस प्रकार की परिभाषा से युक्त सभी जीव भगवान के भक्त हैं। आप चौंकेंगे कि सभी जीव की बात आप करते हैं, भला पशु पक्षी कीट पतंग क्या समझेंगे, भगवान क्या बलाए हैं, मनुष्य ही कितने मिलेंगे आपको 6 अरब आदमियों में जो आस्तिक हो। हाँ, आपका सोचना साधारण बुद्धि से ठीक है, क्योंकि हम संसार में देखते भी हैं, कोई मर जाता है तो हमारे देश का नारा है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, ऐसा करके हम लोग चलते हैं लाश को लेकर। लेकिन जब जला देते हैं लाश को और लौटने लगते हैं, तब नहीं बोलते राम नाम सत्य है। क्यों? छोड़िए, अगर मान लीजिए आप किसी मुर्दे को लेकर जा रहे हो और रास्ते में वो उठ के बैठ जाए, जीवित हो जाए, यानी वो जीवित था, अनजाने में घर वालों ने समझा मर गया है, और होश में आ गया और उसने कहा आप लोग कहां ले जा रहे हैं हमको, तो सब ने रख दिया अर्थी, अब बड़ी खुशी में नाचने लगे, आए अब राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों? अरे अब तो ये सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है, ये हम राम नाम की महिमा समझते हैं भीतर से। यानी अगर किसी जिंदा व्यक्ति के लिए हम बोल दे राम नाम सत्य है तो अशगुन है, अमंगल है, वो मर जाएगा कोई घर में, ऐसा बोलना नहीं। और आप कहते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। हाँ, हम ठीक बोलते हैं। किसी व्यक्ति से पूछो, एक छोटे से बच्चे से पूछो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं परीक्षा में पास हो जाऊं। क्यों? इसलिए कि उसके अगली कक्षा में चला जाऊं। क्यों? इसलिए कि ऐसे ही अगली कक्षा में जाते जाते एक दिन एमए हो जाऊं, पीएचडी हो जाऊं, डीलिट हो जाऊं। अच्छा अच्छा क्यों? इसलिए कि अच्छी सर्विस मिले। अच्छा क्यों? इसलिए कि पे मिले अच्छी, खूब रुपया मिले। अच्छा क्यों? इसलिए कि रुपए से सब सामान हमारे सुख का मिलेगा। किसका मिलेगा? सुख का। सब प्रकार के सामान हमको मिलेंगे इंद्रियों के विषय भोग के, तो आनंद का सब सामान मिलेगा, तो आनंद मिलेगा। अर्थात हम संसार की जितनी वस्तुएं चाहते हैं केवल आनंद के लिए, और आनंद क्यों चाहते हैं?
चुप, कोई उत्तर नहीं। अरे सभी आनंद चाहते हैं, अरे किसी को तो दुख भी चाहना चाहिए। कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, मनुष्य के अलावा और तमाम है, कोई तो इस सिद्धांत का बने कि हमको दुख चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, अशांति चाहिए, टेंशन चाहिए, ऐसा कोई नहीं। यानी संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक चीज चाहता है, आनंद। एक उत्तर है, और सब चीज जो चाहता है आनंद के लिए चाहता है। एम है आनंद, लक्ष्य है आनंद, और सब साधन सामग्री है। अब किसी को किसी से आनंद मिलने की कामना है, किसी को किसी से, लेकिन केवल आनंद का एम है सबका। ऐसा क्यों है? एक बाप के चार बच्चे चार दिमाग के होते हैं, चार आइडिया उनके होते हैं, चार ट्रेस्ट होते हैं, चार इंटरेस्ट होता है उनका। और ये क्या कमाल है कि सारा विश्व केवल एक आनंद चाहता है। उसकी एक साइंस है, वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदात देव खल विमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिसंभिषन्ति। भगवान का एक नाम है आनंद। जैसे कमल के कई नाम होते हैं, पानी के कई नाम होते हैं, ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं। अनंत नाम रूपाय विष्णवे, तो एक नाम है आनंद। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है ऐसा है। आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है और उसी के सब अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब शास्त्र वेद पुराण कहते हैं ये जीवात्मा माने हम सब लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश ये कहने में कम समझ में आएगा, हम आनंद के अंश हैं, क्योंकि पर्यायवाची है आनंद शब्द। हम आनंद के अंश हैं, तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को चाहता है और उसी से प्यार करता है। मान लीजिए हमारे हाथ में मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी का ढेला किसका अंश है? पृथ्वी का। तो ये मिट्टी का ढेला पृथ्वी से ही प्यार करता है। क्यों जी? ये तो पृथ्वी से अलग है, इसलिए अलग है कि हमारे हाथ ने पकड़ रखा है। हम अपने हाथ को छोड़ दें, अब ये अपने आप पृथ्वी खींच लेगी। यानी अंशी से अंश का नेचुरल स्वाभाविक प्रेम होता है, इसलिए हम सब आनंद चाहते हैं। तो क्यों जी, क्या संसार में हमको आनंद नहीं मिल रहा है? अरे रोज मिलता है, कौन कहता है नहीं मिलता? माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीबी से, पति से, रसगुल्ला से, हमको आनंद मिलता है संसार में। हाँ, लेकिन भगवान का आनंद जिसके हम अंश हैं, उस अंशी का आनंद और इस संसार का आनंद,
दोनों का भेद क्या है ये समझ लो पहले। भगवान का एक नाम है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद में एक शब्द पकड़े आनंद, और सच्चित ये दोनों आनंद के विशेषण हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो। आनंद के विशेषण है सच्चित, जैसे काला घोड़ा तो घोड़ा का विशेषण है काला, ऐसे ही सच्चिदानंद में आनंद का विशेषण है सच्चित। सत माने नित्य, नित्य सदा आनंद। भगवान का जो आनंद है वो सदा रहता है, और इस संसार का आनंद सदा नहीं रहता। जिस मां को, बाप को, भाई को, बहन को आपने चिपटाया, कल परसों रोज फिर उसी की प्यास, वो भूल गया, वो खत्म हो गया आनंद। इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है आनंद, नश्वर है, अनित्य है, और जो है भी वो भी घटता जाता है। पहला रसगुल्ला खाया, हाँ बड़ा अच्छा है, दूसरा हाँ हाँ ये भी अच्छा है, तीसरा अच्छा है, चौथा अच्छा, कृपा करो अब नोट खराब लग रहा है, उल्टी हो जाएगी। क्यों जी, रसगुल्ला में अगर आनंद है तो जो पहले रसगुल्ला में आनंद मिला था वो हर एक में मिलना चाहिए, बदल रहा है। एक माँ का बच्चा खो गया, दो दिन बाद मिला, माँ आंखों में आंसू और भुजाओं को फैलाए, बच्चे को चिपटाने को व्याकुल दौड़ी और चिपटाया, हाँ आनंद। दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, जाओ बेटा खेलो। ये क्या नाटक है जी, वो पहली बार जो आनंद मिला मां को वो हर बार क्यों नहीं मिला, वो घटता गया। ऐसे ही स्त्री पति का प्रेम, ऐसे ही सर्वत्र समझ लीजिएगा, वो प्रत्येक क्षण घटमान प्रेम है। और भगवान का प्रेम जो है वो नित्य रहता है, घटता नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वो ऐसा आनंद है। तो संसार का आनंद आनंदाभास है, आनंद नहीं है, यानी भ्रम है। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसी चबाते चबाते उसके संघर्षण से कुत्ते के ही मुंह से खून निकलने लगता है, तो अपने ही खून को सूखी हड्डी में लगा के चाटता है, पीता है और समझता है हड्डी से खून मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग संसार में जहां पर जिससे जिसमें बार बार आनंद की कल्पना करते हैं, बस उसी से आनंद मिलने लगता है। एक भिखारिन को अपने काणे पुत्र के आलिंगन में जो आनंद मिलता है, वो पड़ोसिन के सुंदर पुत्र से आलिंगन में नहीं मिलता। हम संसार में देखते शराबी को, देखो शराब, दावत में शराब है, हाँ है, तब तो ठीक है, आज फिर दावत है, शराब है, नहीं 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 वहां शराब नहीं मिलती, अरे तो कहन जाए। ये शराबी से पूछो कि क्यों जी, तुम क्या पैदा होते ही शराबी हो गए थे, तुमने मांगा था मां के पेट से निकलते ही शराब लाओ,
अजी नहीं, ये तो ऐसा है कि कुछ दोस्त लोगों ने पहले जबरदस्ती पिलाया 10-20 दिन 10-20 महीना, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, बिना पिए रहा ही नहीं जाता, खाना न मिले। सबसे ऊपर स्थान हो गया शराब का, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबसे। तो अगर शराब में सुख है, ये शराबी का कहना सही है, तो पंडित जी को क्यों नहीं सुख मिलता? वो तो देख के घिन आती है उनको, अरे क्या है बोतल में शराब, वो तो यूं बोलता है। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, हम जहां सुख मान लेते हैं बस वहीं से सुख मिलने लगता है। और जितनी मात्रा का सुख जिसके पाने में मिलता है, उतनी मात्रा का दुख उसके वियोग में मिलता है। और संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका वियोग ना हो। इसलिए हमने रोने को दावत दे दी हंस करके, हमने जो खुशी मनाई उसका परिणाम रोना। बाप मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, पति मर गया, कोई मर गया, क्यों रोए? उससे सुख मिलता था। कितना रोए? जितना बड़ा सुख मिलता था उतना ही बड़ा रुदन हुआ हमारा। तो संसार का सुख है ही नहीं, जो आभास है वो अनित्य है, टिकाऊ नहीं। अरे जब संसार ही टिकाऊ नहीं और प्रत्येक व्यक्ति कर्म के अंडर में है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहे पिता माता भाई बहन बेटा बेटी सब एक साथ मरेंगे, किसी को किसी का वियोग ना हो? ऐसा संसार में कहीं नहीं हो सकता। हाँ, आए एक साथ सब लोग जहर खा के मरे, वो बात अलग है। तो सबका वियोग होगा यहां। इसलिए जो आनंद ब्रह्म है वो सत, उसका विशेषण है कि वो आनंद नित्य है और चित है। चित माने चेतन, ध्यान दो, चेतन। जैसे आपका ये हाथ हिल रहा है, ये चेतन है, मर जाएगा तो नहीं हिलेगा, वो जड़ है। तो संसार का जो सुख है वो जड़ है, और जो भगवान का आनंद है वो चेतन है, देखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, सोचता है, जानता है, ऐसा है वो आनंद। इसलिए वह आनंद जीवों को भी भगवान देते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। रसो वै सहा रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, वेद कहता है भगवान रस है, आनंद है, उसको पाकर उसकी कृपा से वो चेतन आनंद है। सब शरणागत जीव को भी आनंद मिलता है, वही आनंद जो भगवान के पास है। अस्तु, अब आप समझ गए कि प्रत्येक जीव आनंद क्यों चाहता है। हाँ, तो आनंद का सब उपासक है, वो धोखे का आनंद हो या असली हो, संत महात्मा असली आनंद में दीवाने हैं, हम लोग संसारी आनंद में दीवाने हैं, हैं सब आनंद के दीवाने। और आनंद माने भगवान, इसलिए सब भगवान के दीवाने हैं, इसलिए सब भगवान के भक्त हैं। उसको भगवान न कहो तुम आनंद कह दो, उसको बाप न कहो मां का पति कह दो, अरे बात तो एक, तुम आनंद चाहते हो इसका मतलब भगवान को चाहते हो। अब तुम कह दो हम आनंद नहीं चाहते, नहीं ऐसा कैसे कह देंगे, तो इम्पॉसिबल। तो फिर विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है।
भगवान का भक्त है। अब ब्रह्म शब्द लिखा है वेद में, आनंदो ब्रह्म। तो ये ब्रह्म के बारे में तीन राय है शास्त्रों वेदों की, मैं संक्षेप में बोलूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म निराकार ही होता है, निर्गुण निराकार निर्विशेष ही होता है, और कुछ लोग कहते हैं सगुण सविशेष साकार ही होता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, ये निराकार भी होता है साकार भी होता है। ये तीन प्रकार के मत अनादिकाल से चल रहे हैं हमारे विश्व में और चलेंगे अनंत काल तक, क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों रहेंगे सदा, इसलिए उनके मत भी उसी प्रकार दो रहेंगे विपरीत। देखिए वेद क्या कहता है, पहले उससे समझिए। द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच वा मूर्तंच। ब्रह्म के दो रूप हैं, भगवान के दो रूप हैं, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार। यानी निराकार ही होता है गलत, साकार ही होता है गलत, निराकार भी होता है सही, साकार भी होता है सही। यानी निराकार साकार दोनों होता है। कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य आदि जगत गुरु वो साकार नहीं मानते। कौन कहता है? मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा। ये शंकराचार्य की उक्ति बता रहा हूं मैं। मूर्त ब्रह्म माने साकार ब्रह्म, और अमूर्त माने निराकार ब्रह्म, दोनों होता है। ये दो प्रकार के भक्तौ कहा है शंकराचार्य ने। दो प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, कुछ निर्गुण निराकार के भक्त होते हैं, कुछ सगुण साकार के भक्त होते हैं। इसलिए यही मत सही है। अब ये सोचना होगा कि क्यों जी, जब दोनों मत सही है तो हम किसमें चलें? हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें या सगुण साकार ब्रह्म रामकृष्ण की उपासना करें? इसका उत्तर सुनिए। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करने के पहले साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा, ये शर्त है। शंकराचार्य ने भी कहा शांत दांत उपरत तितुक्षु, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्व। ये चार साधनों से संपन्न हो जाए कोई, तब एबीसीडी सुने निराकार ब्रह्म की। और ये चार साधन इतने कठिन है कि 6 अरब आदमी में मैं तो 6 भी नहीं मानता कि होंगे। ये जो आजकल आप लोगों को बाबा लोग घूमते फिरते हैं, हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं और गृहस्थियों के कान फूंकते फिरते हैं, निराकार ब्रह्म की दीक्षा देते रहते हैं, ये कितना बड़ा धोखा है। अरे उनके जो आचार्य हैं शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि 4 साधनों से संपन्न होकर ही आना, जैसे ग्रेजुएट होकर ही लॉ क्लास में दाखिला मिलेगा ऐसे।
आप यहां लेक्चर सुन रहे हैं, हाँ, किसी के घर से खबर आवे छत गिर गई, आपका बेटा, आपका बाप, आपका भाई, आपकी मां सब मर गए। अच्छा अच्छा मर गए तो ठीक है, आ रहा हूं मैं, थोड़ी देर और रुको, ऐसा कहने की हिम्मत कोई रखता है? तुरंत भाग पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम ज्ञान मार्ग में चलने योग्य नहीं हो सकते, असंभव। भगवान ने अर्जुन सरीखे धनुर्धर जितेंद्रिय उर्वशी अप्सरा गई अर्जुन के पास रात में, तो उर्वशी को देखकर अर्जुन कहता है, मां हम तो तुम्हारे इंद्र के बेटे हैं और तुम इंद्र की वाइफ हो, तो तुम हमारी मां हुई। इतना बड़ा जितेंद्रिय अर्जुन, जहां विश्वामित्र पराशर वगैरह फेल हो गए, वहां वो पास हो गया, जितेंद्रिय रहा। उस अर्जुन ने ये कहा भगवान से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलभद्रणम, मन बहुत चंचल है, ये निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे होगी, उसमें तो मन पर पूरा कंट्रोल हो 100%, वो प्रवेशिका में दाखिल होगा। विजित हिषिक वायु भिरदांत मनस्तुरगम, भागवत वेदस्तुति कर रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल करना सरल है, मन पर कंट्रोल करना ये योगियों के लिए असंभव सा है, साधारण मनुष्यों की कौन कहे, वो क्या ज्ञान मार्ग में चलेगा। अर्जुन ने गीता के 12वें अध्याय में पहला क्वेश्चन यही किया था, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः, ये निराकार ब्रह्म की भक्ति और साकार ब्रह्म की भक्ति करने वालों में कौन श्रेष्ठ है, भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा, भाई ऐसा है कि सगुण साकार की भक्ति वाला ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार ब्रह्म के विषय में देहधारी कुछ सोच ही नहीं सकता। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। अरे कहना मुश्किल है, क्या बोल रहे हो ज्ञानी जी, सब ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हाँ हम लोग भी ब्रह्म है, हाँ तो उपदेश किसको करने आए हो तुम? अरे जब सब ब्रह्म है तो कोई ब्रह्म ज्ञानी किसी को उपदेश कैसे दे सकता है। कहत कठिन, फिर समुझत कठिन, फिर साधन कठिन, और अगर कोई कर भी ले जाए, ध्यान दो, तो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता कोई ज्ञानी, मोक्ष नहीं पा सकता निराकार की भक्ति से। क्यों? इसलिए कि भगवान का ये चैलेंज है गीता में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं, एव माने ही, वो माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, और ज्ञानी तो मेरी शरण में आता नहीं, तो फिर उसकी माया भी नहीं जा सकती। देखिए दो प्रकार की माया होती है, एक विद्या एक अविद्या। तो अगर कहीं करोड़ों जन्मों में साधना करके कोई ज्ञानी ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो अविद्या माया को समाप्त कर सकता है, विद्या माया को नहीं समाप्त कर सकता। विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, सगुण साकार भगवान कृपा करता है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, उसका तो उसकी परिभाषा है अकर्ता,
वो कृपा कैसे करेगा? शंकराचार्य ने कहा था, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संग रहितो भवांस्ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न पुरुषे स्नेह मथ तत् बसस्वस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। शंकराचार्य कहते हैं, महाराज आप तो कृपा तो करेंगे नहीं, हे ब्रह्म भगवान हे ब्रह्म महाराज आप कृपा तो करेंगे नहीं, न कोप करते हैं न कृपा करते हैं, आपके न शरीर है न आपके मन है न बुद्धि है, आप तो सत्ता मात्र हैं, तो आपसे हम क्या मांगे? तो फिर नारायण करुणामय शरणं करवाम ताव कौ चरणौ। शंकराचार्य ने कहा, हे नारायण सगुण साकार भगवान, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। किस लिए ज्ञानी जी? कृपा के लिए। क्यों? वो विद्या माया नहीं जा रही है, थक गए अनंत जन्म प्रयत्न करके थक गया कोई भी ज्ञानी हो, वो विद्या माया नहीं जाएगी, गुणाबरिका माया नहीं जाएगी, स्वरूपाबरिका माया चली जाएगी। तो फिर वो बहुत ऊंची सीढ़ी पर पहुंचा हुआ भी गिर जाएगा। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाधृत युष्मदंघ्रया तथा नते। वो परम पद पर पहुंचकर भी फिर गिर जाएगा। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानत कर्म भी, जीवन मुक्त होकर भी फिर पतन हो जाएगा, कर्म बंधन में पड़ जाएगा, संसार में आसक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस जड़ भरत एक हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, दया आ गई, उसको पाला पोसा बड़ा किया, जब मरने लगे तो उसी का ध्यान किया, तो मरने के बाद हिरण बने जड़ भरत परमहंस। छोटे मोटे की क्या गिनती। तो कोई भी ज्ञानी बिना भगवान की कृपा के, और भगवान की कृपा कब होगी? जब भगवान की भक्ति करोगे, उनके प्रपन्न हो जाओगे, शरणागत होगे, तब कृपा मिलेगी। ऐसे तो मिलेगी नहीं कि हम ज्ञानी हैं हमको देव, ऐसे नहीं मिलती। वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, शरणागत होने पर ही मिलेगी, भक्ति की कृपा से ही होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, शंकराचार्य कह रहे हैं, तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, अपनी कमाई वाला जो ज्ञान है वो मोक्ष नहीं देगा। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना, ये भगवान की कृपा से ही माया जाएगी, और कोई उपाय नहीं। अनंत कोटि कल्प कोई तपश्चर्या करे, साधना करे, कर्म ज्ञान योग कुछ करे, और सब कुछ मिल जाएगा। स्वर्ग का साम्राज्य ले लो, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धियां ले लो, रिद्धि ले लो, निधि ले लो, बड़ी बड़ी चीजें जिसको आप ये समझते हैं कि ये भगवान का बाप है, ऐसा मालूम पड़े, लेकिन माया नहीं जाएगी।
स्वर्ग बना देने की शक्ति विश्वामित्र में, और वो फेल हो गए। वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर उन्हीं के कुटी के पीछे जाके छुप गए। इतना द्वेष, ये माया का स्वरूप। तो एक तो ज्ञान मार्ग के अधिकारी ही नहीं है कोई, और अगर कोई चला भी तो विद्या माया नहीं जाएगी, और अगर भगवान की शरणागति और कृपा के द्वारा मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, जो भगवान ने कहा है गीता में, मेरी कृपा से जब ज्ञान मिलेगा तब मोक्ष मिलेगा, तो वो मिल भी जाए तो भी उसका रस सगुण साकार भगवान की भक्ति के रस के आगे फीका है। हैं, एक ऐसे आप कहते हैं, क्या निराकार ब्रह्म का आनंद अनित्य है? नहीं। क्या लिमिटेड है? नहीं। अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए अनिर्वचनीय अपरमेय अपौरुषेय परमानंद है वो ज्ञानियों का। वो वही तो भगवान तो एक ही है, उसके एक रूप के आनंद को पाने वाला दूसरे रूप में क्यों दीवाना बनेगा? आप ये पता नहीं क्यों बनेगा, लेकिन बने हैं सब। देखो सृष्टि ब्रह्मा, वो कह रहा है कि ये गोपियों की, गोपों की, नंद यशोदा की क्या स्थिति है मैं नहीं सोच सकता। इनकी चरण धूल पाने के लिए षष्ठ वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रजस्त्रीणाम पादरेणूपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेण वः। 60,000 वर्ष देवताओं का 6 महीने का एक दिन होता है देवताओं का, और 6 महीने की एक रात होती है, यानी दिन रात दोनों 1 साल का। उसके हिसाब से 60,000 वर्ष तप किया कि इन ब्रज के भक्तों की चरण धूल मिल जाए, फिर भी नहीं मिली। क्यों जी, ब्रह्मा से बड़ा कौन ब्रह्मज्ञानी होगा जिसने नथिंग से संसार बना दिया। हाँ, तो इसका मतलब निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में ऐसी कुछ विलक्षण विलक्षणता है कि निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाले बरबस खिंच जाते हैं। देखो भगवान शंकर समाधि में रहने वाले निर्विकल्प, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भागे भागे आए मृत्युलोक में, और योगी बनकर यशोदा मैया के दरवाजे पर कहते हैं, अलक मैया अपने लाला के दर्शन करा दे, जा जा, ऐसा अंडबंड भेष बनाए हुए हैं, लाला हमारा डर जाएगा। ये मैया डांट रही है शंकर जी को। और नीचे आओ, सनकादिक परमहंस, ये भी भगवान के अवतार हैं। इन्होंने भगवान के साकार रूप को देखते ही उनके चरण पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु जैसे ही इनके नासिकारंध्र में प्रविष्ट हुई, उनका निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद समाप्त हो गया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्नो। वो सनकादिक परमहंस बर मांगते हैं, कामं भवास्त्व ब्रिजिनैर निरयेषु न स्यात्, महाराज हमको नरक में वास दे दो,
लेकिन आपकी भक्ति आपका प्रेम मिला रहे, ऐसा ब्रह्मानंद हमको नहीं चाहिए। और जनक को तो आप लोग रामायण पढ़ते ही हैं, जानते ही होंगे, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राम को देखते ही ब्रह्म सुख गायब, अब देखते ही रह गए चकोर की तरह। और द्वापर में आओ, उद्धव श्री के परमहंस, ज्ञानियों के नेता, वो कहते हैं, आसा महो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावन किमपि गुल्म लत औषधीनाम। हे श्री कृष्ण, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए हमको वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बना दो, तो जब ये चलेंगी तो चरण धूल मेरे ऊपर पड़ेगी, मुझे ज्ञानवान नहीं चाहिए। वेदव्यास भागवत के 18 पुराण के और गीता के, वेदांत के और वेदों के भाष्य चार भाग करने वाले, वो क्या कहते हैं उनकी भी सुन लो। बिले बतो रुक्रम विक्रमांगे, बड़ा लंबा है, उनके कान व्यर्थ हैं, उनकी नासिका व्यर्थ है, उनकी आंखें व्यर्थ हैं, उनके हाथ पैर इंद्रियां सब व्यर्थ हैं। जो श्री कृष्ण के रूप में गुण में लीला में धाम में अनुरक्त ना हो, वेद व्यास कह रहे हैं। ये वेद व्यास कौन है? भगवान के अवतार हैं, शंकराचार्य जो अभी 2500 वर्ष पहले हुए थे, उनके गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास। अब वेद व्यास के नीचे आ जाओ, सुखदेव परमहंस पैदा होते ही से परमहंस है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वई पायनो विरह कातर आजुहाव। वे सुखदेव परमहंस चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते। जितने वेदांत हैं उन सब का सारांश है श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम जन में मन को अनुरक्त करना। और शंकराचार्य को तो मैंने आपको बताया ही, वो तो चिल्लाकर कह रहे हैं, काम्योपासनार्थयन्त्यनुदिनं किंचित् फलं स्वेप्सितं केचित् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गा पवर्गैश्च किं। ज्ञान से मोक्ष मिलता है वो कहते हैं अपवर्ग बेकार, स्वर्ग बेकार, संसार बेकार, हम तो यदुनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के मकरंद के भ्रमर बनेंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं, और भी जितने हुए उसके बाद मधुसूदन सरस्वती, वो कहते हैं, वंशी विभूषित करान नवनी रदाभात, जिनके हाथ में मुरली है और जो कमल के समान नेत्र वाले हैं इत्यादि, जो श्री कृष्ण की झांकी है, उसके सिवा और मैं कोई तत्व नहीं जानता न जानना चाहता हूं। ये निराकार ब्रह्म के सबसे बड़े तार्किक
महात्मा माने जाते हैं मधुसूदन सरस्वती, तभी तो परमहंस लोग भगवान के लिए कहते हैं कि गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से, हे गोपाल तुम ब्रह्म हो, योसौ पर ब्रह्म गोपाला वेद कहता है, लेकिन तुम कैसे ब्रह्म हो, तुम तो सर्वज्ञ हो। हाँ हाँ सर्वज्ञ तो फिर तुम्हें क्या हो गया है, कहाँ कहाँ क्या हो गया है, तुम यशोदा के आंगन के कीचड़ में विहार करते हो, लौटते हो, कीचड़ लगाते हो, और बड़े बड़े महर्षियों के यज्ञों में भी जाने में तुम्हें शर्म लगती है, वहां खाली मंत्र बोले जाते हैं विष्णु रराट मसे विष्णु हो स्नप्रेस्थो विष्णु हो शिवरस विष्णु ध्रुवो सि वैष्णव मस विष्णवे स्वाहा। तो कहीं विष्णु का पता नहीं, और तुम बात किससे करते हो, गोकुल की गायों के बछड़ों के हुंकार से बात करते हो। जब बछड़े को चिपटाते थे तो बछड़े विभोर हो जाते थे, तो वो अब बेचारे भाषा तो जानते नहीं, वो तो उससे बात करते हैं, भूखे हो दूध पियोगे, छोड़ दूं चुपके से जाओ पी लो, ये तुमको बात करने को मिले। हमारे संसार में किसी को जरा सी पोस्ट मिल जाए, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये गवर्नर है, ये प्रेसिडेंट है, और आप बात करना चाहें, क्यों कौन हो तुम, तुमसे नहीं मिलेंगे। और ये गाय के बछड़ों से बात कर रहे हैं। और दास्यंगो कुल कामिनी सुगुरु से, और गोपांगनाओं की दास्ता करते हो, गोमय मंडित भाल कपोलम। एक गोपी कहती है श्याम सुंदर हमारे गोबर की टोकरी उठा दो, गोबर की टोकरी, छोटे से ठाकुर जी इतने कोमलांग। ठाकुर जी ने कहा है तेरे बाप के नौकर हैं, पक नहीं उठाते, उठा दे एक लोंदा मक्खन दूंगी। अच्छा देगी ना, हाँ। और देख जितनी बार टोकरी उठाएगी उतने लोंदा मक्खन दूंगी। ठाकुर जी विभोर हो गए, चल उठा देते हैं, लेकिन एक बात बता, तू तो 2500-2500 टोकरी उठवाएगी, आप जितनी जरूरी है सब उठवाएंगे, तो उतने लोंदा मक्खन देगी। हाँ हाँ देंगे, लेकिन वो गिनेगा कौन, तू भी बेपढ़ी लिखी मैं भी बेपढ़ा लिखा। हाँ तो देख लाला ऐसा है कि जय जितने बार तू उठाएगा उतनी बार मैं एक गोबर का टीका तेरे गाल में लगा दूंगी। तो वो सब निशान बना रहेगा, तो हम फिर जब मैं मक्खन खिलाने लगूंगी लोंदा तो उसी के हिसाब से खिला दूंगी। अच्छा ठीक है, ठाकुर जी की सर्वज्ञता गई और आ गए झांसे में। अब एक दो तीन छोटा सा तो गाल, ठाकुर जी छोटे से हैं, उसमें कई टीका लगेगा, फिर भाल में लगाया, ललाट में, वो भी खत्म हो गया। तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या करूं, अच्छा चल अब हम नहीं उठाएंगे मक्खन दे। उन्होंने कहा यहां कहां दे, चलो घर चले देंगे। अब घर ले गई, वहां शीशा दिखाया ठाकुर जी को, अच्छा अच्छा चलो मुंह धो लो, आओ जितनी इच्छा हो मक्खन खाओ। एक छाछ पर मक्खन माइनस,
ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। जरा सी छाछ पर ठाकुर जी को नचाती थी। ये सब भगवत प्रेम का वैलक्षण्य है, यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेने पर भी ये सब ब्रह्मा से लेकर और शंकराचार्य तक सगुण साकार भगवान में बरबस खिंच गए और भक्त हो गए। लेकिन एक भी ऐसा भक्त नहीं है जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में अनुरक्त हुआ हो। इससे सिद्ध होता है कि बिना भक्ति के निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो भक्ति का जो सौरस्य है वो इतना विलक्षण है कि उसके आगे वो फीका लगेगा। इसलिए ये विवाद ज्ञान और भक्ति का हमने साल्व कर दिया। आप लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति में क्या करना है? पहला रूप ध्यान। आप लोग भगवान का नाम वाम बहुत लेते हैं, लेकिन मेन मिस्टेक है रूप ध्यान नहीं बनाते। जो रूप आपको अच्छा लगे बना लीजिए अपनी पसंद से। भागवत गीता मत पढ़ो, ऐसे ही बना लो। भगवान कहते हैं तुम अपने मन से बना लो। जो कपड़ा तुमको पसंद हो पहना दो, जो तुमको खाना पसंद हो खिला दो, जो लीला तुमको पसंद हो उसका ध्यान कर लो। यानी रूप ध्यान अवश्य रहे। मन को लगाना है भगवान में, आंख को जबान को कान को नहीं। ये सब भी रहे साथ में अच्छा है, लेकिन मन का अटैचमेंट ही भक्ति है। भगवान का एक नाम मत लो और मन में इतना प्यार हो जाए कि बिना उनसे मिले एक क्षण युग के समान लगे। गौरांग महाप्रभु ने कहा युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। जब तुमको इतना वियोग हो जाएगा कि रहा न जाएगा, तो भगवान से भी बिना तुम्हारे पास आए रहा न जाएगा। बस इसलिए आंसू बहाकर उनका कीर्तन करो, रूप ध्यान बनाकर और राग द्वेष से बचो, संसार में व्यवहार करो, अटैचमेंट भगवान में करो। ये मत सोचो कि अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं कोई पाप है क्या? ना ना ना, पाप है। भगवान की शर्त है अनन्य प्रेम, अनन्य, अन्य में नहीं। ये कौन से तुम्हारे बाप है माँ है, ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में। अनंत बाप हो चुके, अनंत माँ, अनंत बीबी, अनंत पति हर जन्म में होते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा सब कुछ। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कहता है। आत्मा का सब कुछ नाता भगवान से, शरीर का नाता संसार के माँ बाप बेटे वगैरह से, वो सब नश्वर, हर जन्म में चेंज होगा। अरे कुत्ते बिल्ली गधे बन गए हैं, बन चुके हैं आपके माँ बाप अनंत बार। मनुष्य शरीर तो कबहू करी करुणा नर देही, कभी दया करके भगवान मानव देह देते हैं। उसको हम लोगों ने क्या किया, बिगाड़ दिया। आपने शिक्षा प्राप्त की यूनिवर्सिटी, और उसके बाद सर्विस किया, और उसके बाद 10-20 लाख 50 लाख करोड़ कमाया, और कोठी बनाई, और एक किया वो किया, 4-6 बच्चे पैदा किए, फिर क्या हुआ, फिर मर गए। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। अरे देखा होगा नहीं जाएगा,
84 लाख में घूमना पड़ेगा मिस्टर, ये तुमने मानव देह का दुरुपयोग किया पेट पालने के पीछे। अरे कुत्ते बिल्ली गधे भी तो पेट पालते हैं, तुमको भगवान ने भेजा भक्ति करने के लिए, तुमने माँ के पेट में बर मांगा था भगवान से, हमको बाहर निकालो हम भक्ति करेंगे, भूल गए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, तब गुरु द्वारा दिव्य प्रेम मिलेगा, तब दिव्य भगवान के दर्शन होंगे, दिव्य प्रेम मिलेगा और तुम्हारा जीवन सफल होगा। यहाँ सब लोग, हमारे कई प्रचारक हमने उड़ीसा को दे रखे हैं, यहाँ चकोरी है, पहले मुकुंदानंद भी यहीं पर थे, और शंकरी है, रासेश्वरी है, चार चार प्रचारक हमने आप लोगों को दिया है। इनसे बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा, जो ना सुने हो वो सुनते रहें और लाभ लेते रहें, और अगर आप लोगों की कृपा बनी रही और प्यार बना रहा तो मैं फिर आऊँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी कृपा का भरोसा भरी राधा रानी, 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 तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का भरोसा भरी राधा।